वार्ड 5 कोसानगर उड़िया बस्ती में पिछले कई वर्षों से निवासरत निगम के कर्मचारी पट्टाधारी चतुर्भुज सागर के आवास में एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे मजबूरी वश सागर परिवार को अन्य स्थान में रहने विवश होना पड़ा है। मैं शकुंतला सागर, मेरे घर को छीन लिया गया सर। मेरे घर को मेरे खुद की जेठ जिठानी छीन के दूसरे के पास में बेच दिए। ये 2018 के खत्म। फिर हमारे को थाना में मेरे मिस्टर को लेके थाना में बैठा दिए थे। फिर हमारा मैं कितना शासन को कितना जो है गुहार लगाई, मेरा कोई नहीं सुने। अभी वो जो कब्जा किए हैं वो उन लोग अभी बना रहे हैं घर। थाना में भी मुझे मदद नहीं मिला, मगर मेरे को देवेंद्र यादव मेरा घर छीन गया था। मेरा बेघर हो गई थी तो मेरे को सर छुपाने के लिए मुझे देवेंद्र यादव और अशोक द्विवेदी साहब ने मुझे घर दिए। मुझे मेरा अपना घर चाहिए, मेरे जेठ के नाम पे है। कितने साल का पट्टा है? 30 साल का पट्टा है। मैं राजेश महानंद, ये 30 साल का पट्टा इनके जेठ के नाम से था, मेरे मंजिले ससुर के नाम से था। और 30 साल के पट्टे 2018 से कब्जे भी इन्हीं के नाम से ही था। उनके क्या बोलते, मेरा एक छोटा ससुर रहते थे वहाँ। उसके बाद छोटा ससुर को वहीं से हटा दिए, झोपड़ा तोड़े, उसके बाद ये विवाद चल रहा है। और ये विवाद अभी तक चल ही रहा है सर। और शासन किस आदेश में देता है घर मकान बनाने के लिए, वो मकान अभी 2 मंजिल था तो मतलब रेडी हो चुका है। आप क्या बोलते हैं, फिर इनका जो फर्जी जो काम करते हैं, फर्जी काम क्यों करते हैं? ये फर्जी काम नहीं करना चाहिए। और शासन सर, ये जो पट्टा रहते हुए उनको आवास कैसे मिल गया? मैं एक पूछना चाहता हूँ, जो पट्टा, जो 30 साल का पट्टा है, पट्टा तो किसी के दूसरे के नाम से नहीं बन सकता, तो दूसरे के नाम से जो फर्जी पट्टा बना के इनको आवास कैसे मिल गया, आवास कैसे बना लिए इन लोग? फिर 2018 से जो केस चल रहा है, वो केस चलने के बावजूद इन लोग मकान कैसे बना रहे हैं? ये शासन उनको आदेश दिए है क्या मकान बनाने के लिए? मकान था ये, दोनों भाई, छोटा भाई भी उनके बाद, दोनों भाई एक जगह में रहते थे अलग अलग कमरों में। इस कमरे, इस उनके मकान को अवैध करके दूसरे के नाम पे लिखवा दिया गया, पट्टा ले लिया गया है उनका, और दूसरा नाम पट्टा बनवा के अपना कब्जा करके घर से खाली करवा दिया गया है। और मकान इन्हीं का है, इनके पास 30 साल का पट्टा है।